गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में रविवार को श्री गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी की तरफ से श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी को समर्पित 22वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने किया। रक्तदान शिविर में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चलते फिरते ब्लड बैंक वाहन से जरूरतमंदों को बिना ब्लड डोनेट किए ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। पीड़ितों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सभी सुविधाओं से लैस चलते फिरते ब्लड बैंक का औपचारिक शुभारंभ गुरुद्वारे में किया गया। इस अवसर पर सरदार जसपाल सिंह, जगनैन सिंह नीटू, चरणप्रीत सिंह मोंटू, गगन सहगल, आशुतोष गुप्ता, राजेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह लाडे, मनोज आनंद, जसप्रीत कौर, मनजीत सिंह बंटी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा, अभी कोई ब्लड बैंक तो है नहीं, ये सब काम करने से तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखाकर गोरखनाथ चिकित्सालय के लिए जो एक किसी कंपनी द्वारा 5 एम्बुलेंसेस दिए गए उसमें से एक रक्त वाहन भी था। ये रक्त वाहन बहुत विशेष बनाया गया है, ये ब्लड बैंक को दिया गया है। इस रक्त वाहन से एक बड़ी भारी सुविधा मिल रही है हम लोगों को कि जहाँ कहीं जाते हैं बाहर रक्तदान करने के लिए शिविरों में, वहाँ वो उचित व्यवस्था न होने के कारण कठिनाइयाँ बहुत आती थी। अब ये चलता फिरता ब्लड बैंक है, इसके हो जाने से जिस तरह से ब्लड बैंक में रक्तदान होता है उसी तरह इसमें रक्तदान होगा। दूसरा एक और लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है, भारत सरकार ने एक हम लोग को लक्ष्य दिया है सारे ब्लड बैंकों को पूरे देश में कि 2020 तक सारा का सारा ब्लड बैंक संचालित हो स्व रक्तदाताओं से, केवल स्व रक्तदाताओं से। अभी हम लोग की जो व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था है कि जब कोई भी रोगी आता है रक्त लेने के लिए तो हम उससे एक रक्तदाता लेते हैं और तब उसको हम लोग रक्त उसकी आपूर्ति करते हैं। अब भारत सरकार चाहती है कि आप रक्त आपूर्ति करें, उससे कोई रक्तदाता न मांगे और आप अपने ब्लड बैंक में व्यवस्था बनाएं स्व रक्तदाताओं द्वारा कि आपके ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध हो, वो उसको दे दें और वो चला जाए, कोई रक्तदाता लेकर वो ना आए। तो इस भारत सरकार के हम इस आह्वान को भी हम अपनी तरफ से पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं और एक सुविधा तो हो ही जाएगी। अब हम आए दिन ले जाके इस वैन के माध्यम से जगह जगह स्थानों पे, शैक्षणिक संस्थाओं पे, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सब जगह जा जाके हम इस तरह से रक्तदान करेंगे तो रक्तदान को बढ़ावा मिलेगा।